मैं रिक्शे में बैठ रहा सामान लेके, एकदम चार पांच बंदे आए डंडे लेके मेरे को मारने लगे। कहाँ जा रहे तुम? मैं गोलियां लेके लिए बस पकड़ने बस स्टैंड पर जा रहा था रिक्शे से। क्या काम करते हो? मैं छोले भटूरे नान वान का काम है। पहले भी किसी से काम हुआ? नहीं। किसी से शक आपको? कोई, अभी मेरे नया आया हूँ मैं, 2 महीने हुए हैं। नहीं, कोई आपके साथ काम करता हो? नहीं नहीं। मैं मतलब इन्हें बारे जड़ा मोटा जहा सवाल, अज पूरे देश के दे अंदर जो राजकता का माहौल पैदा होया होया और हर थान के उत्ते माफिया राज का जड़ा लगातार कब्जा हों जा रहा, चाहे रेता चाहे बजरी है चाहे कोई होर यह जे मामले ने कई सरकार और केंद्र की सरकार पंजाब की सरकार के इतों का जोड़ा प्रशासन है वह बिल्कुल इस काम के सफल रहा। और उन्होंने जिथे ये गल कही सी भी असं नशा बंद कर देंगे रुजगार देवे घर घर उल्टा नौकरियां खुसदियाँ जा रही, जिंद करके जोड़े कॉलेज ने स्कूल ने बंद किए जा रहे हैं और जी हिंसा वो स्कूलों तक बच्चों तक वही जा रही है, जिंद पिछे जरा मीडिया के अंदर जोड़े मतलब अश्लील गाने ने बंदूकों प्रोजैक्ट किया जा रहा, कृपाना प्रोजैक्ट किया जा रहा, जिद नौजवानों की जी मानसिकता लगातार विगड़ रही है और मानसिकता जिमें जिमें बिगड़ रही है उमें उमें जड़िया वारदातों अंजाम दिता जा रहा। और ये असं वेख रहे हैं भी बिल्कुल पुलिस के प्रशासन के और पंजाब सरकार के हाथ बिल्कुल वेले ने। देख रहे हैं कि CCTV नज़र आ रहे हैं लुटेरे शरिया हथियार लैके तुरे फिर कई तरह हथियार, पर पुलिस फिर भी उन्होंने पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। देखो ये जो असं एक नारा लाते भी पुलिस सियासी गुंडा गठजोड़ मुर्दाबाद, सानू बिल्कुल जी नज़र आ रही है तस्वीर भी जिते इतों के मंत्रियों के गैंगस्टरों के नाल ना आ रहे ने, पिछे जे इतें एक कांग्रेसी लीडर गुरलाल सिंह का कतल होया, पिछे जे एक मिड्डू खेड़ा का कतल होया, शरेआम गोलियां चला के जोड़े मतलब हथियारबंद ने वो भज जाते हैं और जोड़े पुलिस के हाथ ने खाली ने रोजाना जेल के अंदर मोबाइल बरामद होंगे आ, नशा बरामद हों, इतों की जी कानून व्यवस्था वो बिल्कुल लड़खड़ा चुकी आ, लोगों समाज बदलन की इतों की जी पोलिटिकल ढांचे बदलन की जी लोड़ है, ता कि जरा नौजवानों रुजगार मिल सके, काम मिल सके, स्कूल कॉलेज खुल सकन, तो फिर उस बाद जी व्यवस्था कुछ ठीक हो सकती है, वरना जरा ढांचा ये तो मतलब इदा भी मनुख जरा आपकी जिंदगी का आप ही जिम्मेवार है, तो लोग 6 बजे घर वड़ जाते हैं, ऐसा माहौल तो 84 वेले भी नहीं होया जो हूँ हो रहा है। देखो चोरी दी वारदातों संबंधी ये है कि चोरी दी वारदातों का रौला बहुत पै रहा है, साढ़े को चोरिया संबंधी कोई इनफॉर्मेशन नहीं, उही लोग वीडियो वट्सअप से पाई जाते हैं आह बंदा छकी फिर छकी फिर, उन्होंने कई बंदे असी वेरीफाई भी कर चुके, ठीक है, एक दो बंदे तो मैंटली थोड़ी जी अपसैट निकले जिहड़े महल घूमते रहते हैं जिहड़े असी वेरीफाई कर चुके, एक कल ही बंदा असी वेरीफाई किया जो चिट्टे परने लपेट के मूँह फिरदा FCI का कोई इंस्पैक्टर वह ड्राइवर निकलिया। लोग ना अफवाहां बहुत उड़ा रहे हैं, चोरियां हो रही मैं 5-6 दिन हो गए इस थाने आए हूँ, 5-6 दिन से एक चोरी हुई है। सर गुरतेग बहादुर नगर से CCTV जो भी बंदे आए हैं जिस जो घर चले से उस हत्थापाई भी हुई थी, हाँ जी, पर उस संबंध में भी कि कह सकते हैं आप शक्की बंदे वो लड़ाई का भी मामला हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो चोर हो सकते हैं, मैंने लगता है वो जिहड़े मुंडे ने हत्थों पाई हुई है वो कोई रंजिश हैगी है, वो दस नहीं रहा अपने घरदों को डरता, रंजिश नहीं दस रहा, वो चोर वाले पासे नूं उन्हें गल नूं घुमाई जांदे। मुकदमा दर्ज करता हाँ जी हाँ, मुकदमा दर्ज करता है बंदे असं एक दो दिन फड़ लाँगे। सर इस अलावा कल जो गल कल भी एक दोपहर के समय जो एक व्यक्ति कुटमार की गई है चंगी कितने ठंडी सड़क पर जो एक व्यक्ति चंगी जी उस नहीं साढ़े को अतला नहीं आई है, कोई वो कुटमार संबंधी साढ़े कोई अतला नहीं आई। सुरक्षा लैके जो PCR है उन्होंने अलर्ट किया गया, मैं आप बहुत ज्यादा मैं आप निगरानी कर रहा खुद। सर आम देखने को मिले कि जो चौंकों में PCR की तुम गल करो PCR जरूर घूमती दिख रही है, पर आम चौंकों में नाकेबंदी बहुत घट दिखाई दे रही है, देखो जिनी साढ़े को फोर्स आने वो नाके लाए हुए हैं, ठीक है, जिनी फोर्स असं वो नाके लाए हुए हैं।